घुटनों में दर्द होना एक आम समस्या है। अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवाओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। खाने में विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी और उम्र बढ़ने की वजह से मांसपेशियों और ऊतकों को होने वाले नुकसान की वजह से यह समस्या होती है। आपको घुटने के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी घुटनों में दर्द होना आम बात है, लेकिन अगर आपको लगातार और गंभीर दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। घुटनों के दर्द का इलाज घरेलू उपायों, एक्सरसाइज और दवाओं से किया जा सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव या गठिया के कारण होने वाले घुटनों के दर्द के लिए अदरक बढ़िया होता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी अल्सर और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह इम्यून पावर को मजबूत बनाता है। इसके लिए आप अदरक की चाय या अदरक का पानी पी सकते हैं या फिर अदरक का पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। घुटने के दर्द के इलाज के लिए हल्दी का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। आप इसे गर्म दूध में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र पर हल्दी का पेस्ट भी लगा सकते हैं। गिलोय गठिया के दर्द में मददगार हो सकता है। आपका डॉक्टर आपके गठिया घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए गुड़ूजी का रस पीने की सलाह दे सकता है। गिलोय में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं जो गठिया को कम करने में मदद करते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए गिलोय पाउडर को गर्म दूध के साथ सेवन करें। घुटनों के दर्द को ठीक करने में सरसों का तेल बहुत फायदेमंद होता है। यह घुटने के आसपास की नसों में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द को कम करता है। इसके लिए सरसों के तेल में कटी हुई लहसुन की एक कली डालें और इससे घुटनों की मालिश करें। नींबू का रस घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में एक प्रभावी उपाय के रूप में काम करता है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड शरीर में यूरिक एसिड को कम करता है जो कि गठिया का कारण है। नींबू में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होते हैं जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं जो घुटनों के दर्द में बदल जाती है। इसके लिए आप नींबू के छिलके सूती कपड़े में लपेटकर गरम तेल में भिगोकर अपने घुटने पर रख सकते हैं।